Yo, what's happening guys? My name is Logier. आज guys हम यहाँ पर कुछ नया try करने जा रहे हैं। तो आज guys मैं यहाँ पर Minecraft के कुछ videos के ऊपर reaction देने वाला हूँ। तो guys आज हम यहाँ पर करने वाले हैं Minecraft animation के ऊपर reaction। क्या देख रहे हो चपाती भाई, क्या देख रहे हो? ये मैं करता हूँ reaction वाली videos। अरे आप टेंशन मत करो भाई, मैंने आपका आइडिया चोरी नहीं किया। चल लगा। तो guys ये रही हमारी Minecraft की video। अगर मैं guys यहाँ पर content supplier की तरफ देखूँ तो आज का हमारे content supplier है Black Plasma Studios। ये मेरी लाइन मार रहा है, मेरा कंटेंट मार रहा है, मेरा रिएक्शन वाला चैनल मैंने मार लिया, पागल है क्या तू? रहने दो भाई, रहने दो, मैं मेरे को कुछ पता ही नहीं है। चूना भाई, चूना लग गया हाईपिक्सल वाला लॉबी बन का चूना मेरे को लॉगिन लगा रहा है, वो भी लाइव फेस कैम के ऊपर। नाइस है भाई, रहने दो भाई, रहने दो। तो गाइस अगर वीडियो का टाइटल देखो तो यहाँ पर मेन टाइटल आता है सर्वाइवल। ओके, आज तू बचेगा नहीं बेसिकली। चलो अभी शुरू करते। तो वीडियो अभी यहाँ पर प्ले हो चुकी है। गाइस ये रहे वो एनिमेटर्स जिन लोगों ने इस एनिमेशन पर काम किया। और आते ही यहाँ पर ये देखो नॉर्मल सी माइनक्राफ्ट यहाँ पर खेली जा रही है। आई थिंक ये माइनक्राफ्ट की बिगिनिंग है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उसके बाद उन लोगों ने क्राफ्ट की यहाँ पे एक लकड़ी की पिकैक्स। ये देखो सामने यहाँ पर एलेक्स माइन कर रहे हैं स्टोन और यहाँ पर स्टीव यहाँ पर सप्लाईज इकट्ठी कर रहा है। ओके, अरे आप देखा लॉगिन में देखा वो क्या कहते हैं उसको, लकड़ की पिकैक्स के बाद उन लोगों ने बनाई स्टोन की पिकैक्स और अब भी उसने वो अंडे उठाए, उसका मतलब ये है कि मे भी वो चिकन फार्म बनाने वाले हैं। ये क्या कर रहा है भाई? ये देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस पिस्टन की एनिमेशन, भाई सॉरी एनिमेशन नहीं, पिस्टन की टेक्नोलॉजी इसी ने निकाली होगी। और ये रहा उनका द ब्रांड न्यू हाउस, वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर। नाइस है भाई, नाइस है। तेरी भाई बेसिक सा घर है, लेकिन आई थिंक गाइस माइनक्राफ्ट की शुरुआत में सबका घर ऐसा ही होता है। और उनका घर कंप्लीट भी नहीं हुआ और अभी कंफ्यूजन देख रहा है। रात हो चुकी है और घर भी कंप्लीट नहीं हुआ। Nice. तो वो देख रहे भाई, उनको कुछ आवाज आ रही है जंगल से। और आपको तो पता है गाइस कि माइनक्राफ्ट रात के अंदर बहुत स्केरी होती है यार। और इनका घर भी कंप्लीट नहीं है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमेशन है। और इनके सामने भी मॉब्स आ चुके हैं। और एक भाग तो भाग गया भाई, एक तो नुबड़ा यहाँ पर भाग चुका है। स्केली ने एक को भगा दिया, अविनर स्केली ने डॉगी ने एक को भगा दिया और सारे भागने वाले हैं। और ऑब्वियसली गाइस इनको भागना है, क्योंकि आपको तो पता है माइनक्राफ्ट की जो मॉब रात को आती है तो उनका आना कभी खत्म ही नहीं होता। अरे आई थिंक ये वाले सर जी अभी जाएंगे भाई। ये देखो भाई शवल, अरे अरे उसने नीचे माइन किया और वो सीधा लावा के अंदर गिर गया। अभी बोलता हूं डेक डाउन नहीं करते और इसका घर एंड मौके पर कंप्लीट हो गया तो ये बच गया। अरे भाई ऊपर से उसने छत तो बना ही नहीं, ऊपर से स्पाइडर आ चुका है। अरे भाई क्या मार रहे हैं ये लोग यार। अरे इसको सीधा पट से शॉट पड़ा भाई, पट से पड़ी उसको। अरे सर जी को बेड मिल चुका है। तेरी ऑब्वियसली गाइस आप माइनक्राफ्ट की दुनिया में जब मॉब्स आसपास होते हैं तो आप नहीं सो सकते। ओके इसने ये ट्रिप बार बना के रखी है। ओके तो ये यहाँ पर मास्टर शीफ यहाँ पर आ चुका है। मास्टर शीफ फंसेगा। अरे इसने ट्रैप एक्टिवेट कर दिया, क्या होगा इस ट्रैप से? अरे क्या रेस्टोरेंट यहाँ पर बनी हुई है, ऐसा हो सकता है क्या भाई? आई डोंट थिंक ऐसा होता है, लेकिन अभी यहाँ पर TNT इग्नाइट हो चुका है। और अरे नाइस, अरे क्या 200 IQ उसने यूज किया। ओके अभी इसके पास नया फंड आ चुका है मॉब से बचने के लिए, लेकिन स्केली से कैसे बचेगा? नहीं तो भाई इनके पास लिटरली ये इंपोर्ट होता है। ओके बच रहा भाई, वैसे यार डॉट्स तो अच्छा है यार, मैं अभी बोल रहा था डॉट्स तो अच्छा कर रहा है। कम ऑन बिल्डअप करो, बिल्डअप करो। ओके ये कहाँ से आ गया भाई? गया। अच्छा ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने अंदर टॉर्च नहीं रखा था। अरे तो मतलब अगर टॉर्च नहीं होगा तो समन होगा क्या अंदर भी? वही तो, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंधेरे के अंदर समन होते हैं मॉब्स। अरे भाई क्या भगा भगा के मार रहे हैं माइनक्राफ्ट की मॉब्स यार, और वो आना बंद भी नहीं कर रहे। तो ये तो अभी तक यहाँ पर भाग रहे हैं और ये अरे वर्ल्ड के बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं ये। सीरियसली गए सारे और चारों तरफ से गाइस ये लोग घिर चुके हैं, बचने का कोई चांस नहीं है। सिर्फ इनको एक ही चीज बचा सकती है, लोग गेस कर क्या? सुबह। ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओके आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज़ लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके अभी मुझे जानना है कि ये दोनों यहाँ पर क्या करने वाले हैं। मरेंगे। ओ सबसे पहले आ रहे हैं चार ज़ॉम्बीज़। अरे भाई स्टीव आगे बढ़ रहा है। कम ऑन स्टीव, ऐसा लग सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टीव के पास कुछ प्लानिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? तो यहाँ पर स्टीव क्राफ्ट कर रही है। क्रिकेट खेल रहे यार, स्टीव तो एडसीओ निकला यार, डंडा फेंक के मारा पड़ी उसको यार। ओके अभी यहाँ पर डिस्पेंसर उन्होंने बना दिया है। ओ अरे डिस्पेंसर के अंदर से अंडे निकाल रहे हैं क्या? 200 IQ उन्होंने यूज किया है यहाँ पे, खतरनाक है। एक पंप मार रहा है, एक डिस्पेंसर घुमा रहा है और अभी फिशिंग रॉड एंड सीधा नीचे। यार मुझे पता नहीं था यार चपाती भाई का कैरेक्टर इतना ज्यादा खतरनाक है माइनक्राफ्ट में। भाई साहब ओके अभी ये ट्रेन के ऊपर बैठ के एक एक करके सारे नीचे जाएंगे एंड ये गया कार्ड के ऊपर क्रीपर। अरे नाइस भाई, यार क्या खतरनाक खेल रहे हैं ये दोनों। ये क्या फेंक रहे हैं? अरे लिली पैड्स फेंक रहे हैं यहाँ पे। लिली पैड फेंक भी सकती है क्या? और उसे मछली के साथ मारा उसको। नाइस अभी इसको मिला गन पाउडर आई बिलीव इसका। अरे पटाखा। ओके और क्या पड़ी उसको यार।
यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि लिली ले अभी गन्ने से पिटेंगे भाई साहब, मास्टर शिफू देख रहा है भाई, ये देख ले क्या चल रहा है यहाँ पर, खतरनाक यहाँ पर लड़ रहे हैं यार ये तो। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में एलेक्स देयर डेफिनेटली होगी। ओके अभी आया डिस्पेंसर, और डिस्पेंसर चला गया भाई, इसके हाथ के अंदर रेड स्टोन लगा हुआ है। व्हाट, ये कैसा, ये क्या होता है भाई, ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पर हो चुका है अभी। ओके अभी नॉट डिस्पेंसर, क्या बोलते हैं उसको, पिस्टन, पिस्टन के साथ मार रहे हैं। ओके क्या मुक्का पड़ा है उसके मुख के ऊपर, लेकिन जॉम्बी भाई इतने सारे से हार मारने वालों में से नहीं है भाई, दोनों को यहाँ पर पड़ चुकी है, दोनों डाउन हो चुके हैं अभी। ओके अभी अभी इनको एक ही चीज, अरे सुबह आ रही है, अरे आई थिंक सुबह हो रही है यहाँ पे, अरे क्या वो, अरे सारे जल गए यहाँ पे ब्रो, एंड मौके पर सुबह हो गई, नहीं तो आज ये दोनों गए थे। वही तो भाई। ओके अब इसके बाद क्या होने वाला, दोनों यहाँ पर अभी जाग चुके हैं, क्या होगा, सारे यहाँ पर मर चुके हैं। नाइस भाई तुम लोग बच गए, आई थिंक अभी आई थिंक वो अपना घर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके अरे डॉगी आ चुका है, वापस आ चुका है, स्केलेटन को भगा के यहाँ पर एक प्रॉब्लम नजर आई, सारे मर गए सुबह से, क्रीपर कैसे मरा, ओ ये भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं यार भाई, ये तो पहली के अंदर पहली हो चुकी है, सारे मर गए, चलो ठीक है, स्केली मर गया ठीक है समझ में आ चुका है, ज़ॉम्बी मर गया समझ में आ चुका है, क्रीपर कैसे मर रहे हैं भाई क्रीपर कैसे मरा। ये तो गाइस अगर आप सबको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और वीडियो खत्म करने से पहले इनको एक लाइक भी छोड़ लेते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छी एनिमेशन थी और मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और आप भी गाइस फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइस ये थी मेरी पहली रिएक्शन वीडियो, होपफुली आपको मजा आया, अगर आपको मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपको बताऊं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चलिए टेक केयर everybody and bye bye।